आगे चल के एक बहुत अच्छी औषध ऐसे ही आपके घर में है, लेकिन वो स्वयं पाक घर में आती है, हम शायद उसको गमले में नहीं लगा सकते, वो भी भाजी के रूप में आती है, बैंगन, मराठी में क्या कहते हैं, वांगे, वांगे, यस यस यस, मराठी लोगों को ये बहुत प्रिय सब्जी है। मैं जब भी महाराष्ट्र में कहीं भी जाता हूँ, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह ये भाजी के रूप में तो जरूर खाने को मिलता है। ये भगवान की सब्जी है ऐसा समझ के आप, भगवान की बनाई हुई सब्जी है ऐसा इसको मान सकते हैं। इसमें अद्भुत गुण है, इसका सबसे बड़ा गुण है इसका रंग, इसका कलर, इसका जो कलर है वो वायलेट कलर है, बैंगनी रंग है, और पूरी प्रकृति में बैंगनी रंग सबसे अच्छा माना जाता है। बैंगनी रंग का, वायलेट कलर का कोई भी फल अगर आप खाते हैं तो आप दुनिया में सबसे अच्छा फल खाते हैं ऐसा मान लीजिए। तो वायलेट कलर के जो फल हैं हमारे अपनी जिंदगी में वो दो ही हैं, एक तो जामुन है और दूसरा ये बैंगन है। तो भरपेट खाइए इसको, बैंगन भी खाइए, जामुन भी खाइए, लेकिन बैंगन यही वाला सबसे अच्छा है जिसका कलर वायलेट है। एक ऐसा भी बैंगन आता है जो ग्रीन कलर का है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ग्रीन कलर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, जिसका कलर वायलेट है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करने की ताकत इसमें है, वांगे में। और सूर्य प्रकाश दुनिया में पूरी की पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है, इसलिए वांगे की सब्जी, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को ये मन में गैर समझ हो गई है कि वांगे की सब्जी अच्छी नहीं है, पादी करती है, थोड़ी भारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वांगे की सब्जी आप भरपेट खाइए, ना बाजी होती है ना भारी करती है। आयुर्वेद में भागवत संहिता में भागवत ऋषि ने एक सूची बनाई है कि कौन सी भाजी सबसे अच्छी और कौन सी सबसे खराब, तो भागवत ऋषि की भाजी में सबसे ऊपर इसका नाम है वांगे का, जो सबसे अच्छी भाजी है। सबसे खराब भाजी में जो नाम है वो इमली है, इमली, इमली सबसे खराब भाजी में माना जाता है, और सबसे अच्छा ये बैंगन या वांगे की सब्जी है, तो आप इसको भरपेट खा सकते हैं। और इसका बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वांगे का वो जवारी के साथ, जवारी की रोटी और वांगे की सब्जी अगर मिल गई तो सोना मिल गया ऐसा समझ लीजिए। दूसरा इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बाजरी, बाजरी की रोटी और वांगे की सब्जी। गेहूं के साथ इसका दुश्मनी, वांगे का दुश्मनी गेहूं के साथ है, माने गेहूं की रोटी के साथ वांगे की सब्जी ना खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर वांगे की सब्जी खा रहे हैं तो इसको जवारी की रोटी के साथ खाएं, बाजरी की रोटी के साथ खाएं, और ये मक्की की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। गेहूं के साथ सबसे कम खाएं, गेहूं के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि गेहूं में जो पोषक तत्व है और वांगे में जो पोषक तत्व है ये एक दूसरे को सूट नहीं करते,